हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह लेकर आया हूं आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 6, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन का पार्ट 1। दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। दोस्तों, अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम एक पावरफुल मोटिवेशनल कोट के साथ, थॉट के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, एवरी मॉर्निंग यू हैव अ टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेस देम। हर सुबह आप उठते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो अपने सपनों में खोए रहें और सोते रहें, या अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उठें और मेहनत करें। दोस्तों, इस पावरफुल मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। इसके बाद हम देखेंगे टेट्राहेड्रल हाइपोथीसिस और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ F.B. टेलर और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। साथ ही साथ हम देखेंगे पार्ट 2 में, जो कि अगला वीडियो लेक्चर होगा, उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ में। दोस्तों, जो हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन होते हैं, हम इन्हें रिलीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये पहली पंक्ति के ऑर्डर के रिलीफ हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा हमें स्टडी करने में सहूलियत होगी। हम देखते हैं कि हमारे पूरे ग्लोब पर हमें केवल दो ही चीज़ सबसे पहले दिखाई देती है, वो होते हैं कॉन्टिनेंट और दूसरे नंबर पे ओशंस। या तो पूरी ग्लोब पे पृथ्वी होगी, लैंड मास होगा, या ओशन होगा, पानी होगा। दोस्तों, जो ओशन का कवर है पूरे ग्लोब के ऊपर, वो 17.8% मतलब 70.8% है, और लैंड मास है उसका 29.2% है पूरे ग्लोब का। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करा जाए, अगर इक्वेटोरियल से एक लाइन खींची जाए, तो इसका जो उत्तरी गोलार्ध है इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है इसे हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसमें हमारे ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें लैंड मास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि हमारे साउथ हेमिस्फीयर पे हम देखते हैं तो हमें ओशन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मतलब इनका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोनों हेमिस्फीयर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ये कॉन्टिनेंट और ओशन के, हम देखेंगे हमारी ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से ये बिछे हुए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है अभी प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों, तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, तो अगर हम इंग्लिश चैनल जो कि ब्रिटेन के पास में है उसको एक पोल मानते हुए एक न्यूजीलैंड तक दूसरे पोल तक अगर रेखा खींचें, तो हमारा जो एक दो हेमिस्फीयर बनते हैं उसमें इक्वेटोरियल से ऊपर ऊपर के भाग में जो 83% है वो लैंड एरिया से कवर है। अगर इंग्लिश चैनल से एक लाइन हम खींचे न्यूजीलैंड तक और इसको हम पूरी सीधी रेखा माने जो पृथ्वी से एक पोल से दूसरी पोल तक जाती है, तो हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा इस वक्त में उसे हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 83% लैंड एरिया से कवर है ये। और वाटर हेमिस्फीयर बोल सकते हैं साउथ हेमिस्फीयर को, क्यों? क्योंकि ये 90.6% वाटर से कवर है। दोस्तों, अब जो हम देखते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनका जो शेप है वो रफली ट्राइंगुलर शेप में, मतलब एक जो ट्राइंगुलर रहता है उस शेप में हमारे कॉन्टिनेंट सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका शेप इसी प्रकार पे है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट के मैप में हम देखते हैं, तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका, मतलब ये हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये भी हमारा ट्राइंगुलर शेप में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भी हमारा ट्राइंगुलर शेप में। इसी प्रकार से यूरेशिया जो है ये भी हमारा एक ट्राइंगुलर की शेप में बना रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा इसमें तीन हमारे ट्राइंगुलर दिख रहे हैं, और हमारे इसमें भी लिखा है कि जो अमेरिका है उसका बेस क्या है,
आर्कटिक सी है और अपेक्स मतलब इसकी चोटी है वो केप हॉर्न पे है। इस प्रकार से देखा हमने कि जो इसका आर्कटिक सी, ये हमारा आर्कटिक सी आप देख सकते हैं इसमें, और इसका बेस है, और ये हमारी चोटी जो है इसकी, ये साउथ अमेरिका का जो सबसे लास्ट पॉइंट उसे केप हॉर्न बोलते हैं, वहाँ पे हमारा इसका बेस पाया जाता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूरेशिया। यूरेशिया को भी आपने देखा यूरोप और एशिया मिला के, तो इसका भी बेस हमारा जो है आर्कटिक सी की तरफ है, और हमारा अपेक्स जो है वो ईस्ट इंडीज मतलब जो हमारा इंडोनेशिया और ये वाला भाग है ईस्ट की तरफ इसका चोटी है। और अफ्रीका है, जो अफ्रीका का भी नॉर्थ की तरफ तो बेस है, और साउथ में हमें पता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक जो सबसे लास्ट कोना है उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे इसका अपेक्स पाया जाता है। अब हमने देखा कि जो सारे कॉन्टिनेंट है बस उसमें ऑस्ट्रेलिया और जो एंटार्क्टिका है वो दो इसमें एक्सेप्शन है, मतलब वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब इससे वेरी कर रहे हैं। अब हम अगर देखें ओशन की बात करें जहाँ तक, तो हमारे ओशन का भी शेप जो हम देखते हैं वो एक ट्रायंगुलर की तरह ही दिखता है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो दोस्तों हमें रिवर्स की पोजीशन में दिखती है। मतलब जैसे हमने देखा कि इनका हमारे जो कॉन्टिनेंट थे उनका बेस नॉर्थ की तरफ था और अपेक्स उनका साउथ की तरफ था, पर जो हमारे ओशन है ओशन का हमारा बेस साउथ की तरफ है और इनका अपेक्स नॉर्थ की तरफ है दोस्तों। ये हमारा वर्ल्ड ऑफ ओशन का मैप देखा जो हमने, इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो एटलांटिक का है उसका बेस है केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप। ये केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप की तरफ इसका बेस है, और इसका जो हमारा अपेक्स है वो यहाँ पे बेफिन बे हमारा पाया जाता है, वह उस पर इसका अपेक्स है। और जो हमारा एटलांटिक ओशन के बाद इंडियन ओशन है उसका बेस साउथ की तरफ है, और अपेक्स इसका दो अपेक्स पाए जाते हैं, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ और दूसरा अरेबियन सी की तरफ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बेस हमारा साउथ की तरफ है और इसके अपेक्स है ये एक लगभग रफली शेप में, जो इंडिया है वहाँ पे ये एक बे ऑफ बंगाल में इसका अपेक्स है और दूसरा अरेबियन सी में है, और ये एक ट्राइंगुलर की लगभग ट्राइंगुलर की शेप में बना रहा है हमारा इंडियन ओशन। इसी प्रकार से जो हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो इसका भी अपेक्स साउथ की तरफ है और जो इसका बेस है साउथ की तरफ है, और अपेक्स जो है इसका एल्टुशियन आइलैंड की तरफ है। दोस्तों जो हमारा ये पैसिफिक ओशन है वो हमारे पूरे लैंड एरिया, पूरे ग्लोबल सरफेस का 1/3 एरिया कवर करता है। अगली जो हमारी अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है जो हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन का है, वो है एंटीपोडल अरेंजमेंट। मतलब जो इसमें लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया है वो ग्लोब का वो अपोजिट है, लैंड एरिया के ही अपोजिट है। मतलब जो ये बात है 95% हमारे केसेस में सही होती है कि जो लैंड एरिया है वो डायमेट्रिकली अपोजिट है वाटर बॉडी के। पर इस जनरल रूल में दोस्तों हमारे दो एक्सेप्शन है, नंबर एक है पेटागोनिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। जो हमारा पेटागोनिया है वो कहाँ है, वो नॉर्थ चाइना के अपोजिट में है, और जो हमारा न्यूजीलैंड है वो पुर्तगाल और स्पेन के अपोजिट में है। ये हमारे दो एक्सेप्शन है। अब दोस्तों एक अगला जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न में हमारे गौर करने लायक बात यह है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो कवर्ड बाय वाटर है, जबकि हम जानते हैं कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें हमारा लैंड मास बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारा नॉर्थ पोल है वो वाटर से कवर है, जबकि हमारा साउथ पोल जो है वो लैंड एरिया जो अंटार्कटिक महाद्वीप है जो हम देखते हैं पूरा बर्फ से ढका होता है, उसके नीचे लैंड एरिया है, लैंड मास है, ऐसा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो भी ये कुछ देखा उसकी स्टडी हम करना क्यों जरूरी है, तो जो हमने प्रेजेंट में हमारे ये सिचुएशन देखी कि हमारे ओशन यहाँ पे है, लैंड मास यहाँ पे इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर कोई सी भी हाइपोथेसिस की हम वैलिडिटी चेक करना है तो वो दोस्तों आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक पूरी तरीके से डिफाइन करती होनी चाहिए और हमारे फ्यूचर के बारे में बताती होनी चाहिए। तो अगर ऐसी हाइपोथेसिस को ही मान्य करेंगे, ये किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, हम आज के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें पता हो। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं हम। जो हमारी पहली हाइपोथेसिस है वो है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। एक हमारे जियोलॉजिस्ट थे लोथियन ग्रीन, उन्होंने ये हाइपोथेसिस
1875 में दी थी, उनका जो ये प्रिंसिपल था, बेसिक जो प्रिंसिपल था, वो बोलते थे कि ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल के अनुसार हमारी पृथ्वी का अरेंजमेंट हुआ है। उन्होंने ये बताया था देख दोस्तों कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल है ज्योमेट्री के, उसके अनुसार जो स्फेयर होता है, मतलब एक जो गोला होता है, वो उसका कंटेंट लार्जेस्ट वॉल्यूम, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में, और उसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है उसके रिस्पेक्टिव टू वॉल्यूम के। पर एक टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन आपने देखा होगा इस प्रकार, जिसकी तीन भुजाएं रहती हैं और तीन फलक रहते हैं, जिसमें एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फलक ये है, और एक नीचे वाला फलक, मतलब जिसके चार फलक रहते हैं और तीन भुजाएं रहती है, उसे हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं दोस्तों। तो वो जो होता है उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है और उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। लोथिन ग्रीन ने इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए उन्होंने बताया कि जो हमारा सरफेस एरिया है सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर, अगर हम स्फेयर को हम अगर यूनिफॉर्म प्रेशर लगाए, चारों ओर से बड़ा बराबर प्रेशर लगाए इसकी सारी भुजाओं पे या इसके चारों तरफ से हम बताएं, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन का शेप ले लेगा। मतलब जैसे कि आपने एक बोतल को देखा होगा, आप कोको कोला वगैरह की बोतल देखते हैं, पीते हैं, अगर आप उसमें से हवा अंदर से खींचे, अगर उसकी चारों तरफ से प्रेशर लगाए, तो वो एकदम से चिब्बी हो जाती है, वो एकदम उसका सिकुड़ जाता है। तो वो सिकुड़ने के बाद इनका कहना ये था कि जो एक स्फेयर रहता है वो अपना शेप कैसे चेंज करता है, एक टेट्राहेड्रॉन की तरह। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करा उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जब हमारी अर्थ, उनका भी यही मानना था कि अर्थ पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म आग का गोला थी, वो धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट हुई, पर इनका कहना था कि जब ये कूल होना स्टार्ट हुई तो जो उसका आउटर पार्ट था वो सबसे पहले कूल हो गया, मतलब जो उसकी अर्थ क्रस्ट थी वो पहले कूल हो गई, लेकिन जो इसका इनर पार्ट था वो कंटिन्यू टू कूल डाउन, मतलब अंदर का पार्ट तो फिर भी पिघला हुआ था, जो कि अपने हीट रिलीज करता जा रहा था और कूल होता जा रहा था, धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। इसी कारण से क्या हुआ, जब अंदर का पार्ट ठंडा होने लगा तो उसने एक कॉन्ट्रेक्शन फोर्स बनाया, अंदर की ओर खींचना स्टार्ट करा, और इसी से क्या हुआ कि जो ऊपर का अर्थ क्रस्ट जो कि सॉलिड हो चुका था, वो अंदर का जब ये अंदर खींच रहा था प्रेशर के कारण, कूल डाउन होने के कारण इसका वॉल्यूम कम हो रहा था, तो ये जो सॉलिड हो चुका अर्थ क्रस्ट था उसने अपना शेप चेंज कर लिया, और वो किस शेप में आ गया, टेट्राहेड्रॉन क्रस्ट के रूप में, इस अंदर वाले इनर पार्ट के ऊपर कोलाप्स कर गया वो। आप खुद इमेजिन करिए, अगर एक बाहर एक गोला है, अंदर उसके एक गोला है जो कि सिकुड़ रहा है, तो अगर बाहर का गोले को ये अंदर खींचेगा, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है ना, ये कंटिन्यू है ये, तो ये गोला सिकुड़ के किस शेप में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहेड्रॉन के शेप में। और दोस्तों ये जो टेट्राहेड्रॉन था ये किस टाइप से था, ये इस टाइप से आप देख सकते हैं इसको, कि यहाँ पे हमारा कनाडा है, यहाँ पे हमारा साइबेरिया है, यहाँ पे हमारा एंटार्क्टिका है, और ये जो हमारी दिख रही है वो यूरोप है, मतलब इसके जो चारों कोने हैं जो कि बाहर निकले हुए थे, उभरे हुए थे, वहाँ पे हमारा लैंड मासेस इकट्ठा हो गया, और जो हमारी फलक थी जिसको हम बोलते हैं फेस, सरफेस, उस पे हमारे ओशन बन गए, जैसे कि ये आर्कटिक ओशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा इंडियन ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आर्कटिक ओशन। देखिए यही बात लिखी इसमें, जो चार फेस थे उसके टेट्राहेड्रॉन के, वो ओशन बन चुके हैं यहाँ पे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन, और जो इसकी तीन वर्टिकल एजेस थी वो क्या, नॉर्थ और साउथ अमेरिका बना एक साइड से, हमने देखा ये इस टाइप से, जो हमारी ये वाली है एक भुजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका बना, और दूसरी भुजा जो थी इसकी वो क्या बना, यूरोप और अफ्रीका बना, ये दूसरी भुजा जो इसकी है वो यूरोप और अफ्रीका बना, ये आप देख सकते हैं, एक ये भुजा, एक ये हमारी एक एज है और एक ये एज है, हमारे ये दो एज हमारे टेट्राहेड्रॉन की हमें मिल चुकी है। अब जो हमारी तीसरी एज है वो क्या बना, हमारा एशिया बना, वाइल मतलब ये हमारा जो एशिया वाला पार्ट है वो एशिया वाला पार्ट बना हमारा, सॉरी इस वाले इसमें एशिया वाला पार्ट बना, ये आप देख सकते हैं इसका जो चारों तरफ से एक मिल रही है यहाँ पे, और जो हमारा नीचे वाला बेस पॉइंट है वो हमारा क्या बना, एंटार्क्टिका बना।
लोअर पॉइंट रिप्रेजेंट एंटार्क्टिका। ये देखा आपने दोस्तों कि यहाँ पे हमारे ये एक फलक बना रहे हैं इस टाइप से, देख सकते हैं हम ये इसकी तीन ही भुजा रहती है दोस्तों, तीन भुजा रहती है इसकी, तीन एजेस रहती है, एक एजेस ये, एक एजेस ये, एक एजेस ये, और इसके तीन फेसेस रहते हैं, एक ये फेस, एक ये फेस, एक पीछे नीचे वाला फेस और एक साइड वाला फेस, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो चारों फेस हैं उस पे ओशन बने चार, और इनकी एजेस पे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, ऐसा कि हमारे लोथियन ग्रीन की हाइपोथेसिस बताती है। जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो क्या बोलती है, लैंड एरिया इन साउथ पोल, हमने जैसा कि देखा एंटार्क्टिका हमारे नीचे साइड पे बना, तो यहाँ पे एंटार्क्टिका में लैंड मासेस है, इसको एक्सप्लेन कर रही है दोस्तों। थ्री साइन एंशियंट शील्ड, लोरेशियन शील्ड और कनेडियन शील्ड, जिसको लोरेशियन शील्ड या कनेडियन शील्ड बोलते हैं वो, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड, और इनके पिवोट जो पॉइंट है वहाँ पे अंटार्कटिका शील्ड, मतलब ये हमने तीनों एजेस जो बताई ये हमारी शील्ड बोल सकते हैं इनको हम, और इनका जो पिवोट पॉइंट था वहाँ पे अंटार्कटिका बना। और साथ ही जो ट्राइंगुलर शेप है कॉन्टिनेंट का, इसको भी प्रूव कर रही है। और एंटीपोडल पोजिशन, मतलब हर एक लैंड मास के जस्ट अपोजिट में क्या होना चाहिए, वहाँ पे ओशन होना चाहिए, तो इस एंटीपोडल पोजिशन इसको बोलते हैं, इसको भी हमारी ये वाली थ्योरी प्रूव कर रही है। लेकिन दोस्तों अब ये तो हमारी शुरुआत थी, तो इस शुरुआत में हमसे कुछ गलतियां भी हुई, तो इसमें एरर हमने देखा, तो हमारे ये क्या है, रोटेटिंग अर्थ विद द टेट्राहेड्रन शेप इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये क्या बोल रही है कि हमारी अर्थ जो है वो टेट्राहेड्रन के शेप में है, पर अगर देखा जाए तो ये हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा तेजी से रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है तो इस पे इतनी ज़्यादा तेजी से रोटेट करती है कि ये टेट्राहेड्रन शेप इसको मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। साथ में जो अर्थ का रोटेशन है वो इतना फास्ट है कि ये फॉर्म नहीं कर सकता है टेट्राहेड्रन शेप। और ये हाइपोथेसिस है वो ये क्या बिलीव करती है कि परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब इस टाइप से एक बार बन चुके कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन तो वे वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमें आज वर्तमान में ये पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है और जो हमारी ओशन बेसिन है वो कभी भी परमानेंट नहीं है, बल्कि वो हमेशा ड्रिफ्ट कर रही है अपनी जगह से, हल्के हल्के एक निश्चित रेट के अनुसार खिसक रही है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगली हमारी थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि इस टेट्राहेड्रल थ्योरी की कमियों को पूरी करते हुए बताई। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे एफ बी टेलर, उन्होंने 1908 में एक थ्योरी रखी थी जिसे उन्होंने 1910 में पब्लिश किया था अपनी बुक में। इनके अनुसार जो हमारी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन का, वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हाइपोथेसिस है, ये क्या बोलती है, ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन, मतलब जो हमारे पर्वत बने हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कहाँ है, इसको भी एक्सप्लेन करती है दोस्तों। और उसका डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न, मतलब जो हमारे हमने देखा ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वर्तमान में, तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है दोस्तों। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया क्या था, तो दोस्तों इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं एक हमारे पहले फिगर में, कि हमारा एक पूरा जो लैंड मासेस है वो उन्होंने बोला था कि ये दो लैंड मासेस थे, एक का नाम इन्होंने बोला था लोरेशिया, लोरेशियन आइलैंड, और दूसरे का नाम इन्होंने बोला था गोंडवाना लैंड, लोरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड। तो उन्होंने बोला था कि ये जो है वो क्रेटिशियस पीरियड में थे दोनों अलग अलग मासेस। अब इनमें क्या हुआ कि जब जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल से मिलकर बनी थी, और जबकि अपसेंट वो कोई सियाल किस चीज़ में, ओशनिक क्रस्ट में अपसेंट है, इस कारण से सियाल ऊपर हो गया और हमारा ओशन नीचे हो गया। और ये जो है हमारे कॉन्टिनेंट है ये इक्वेटोरियल की तरफ मूव कर रहे, मतलब उनका कहना था ये कि जो हमारा लोरेशिया था वो साउथ पोल पे था, ए सॉरी नॉर्थ पोल पे था, और जो हमारा गोंडवाना था वो साउथ पोल पे था, और ये आपस में इक्वेटोरियल की तरफ मूव करना स्टार्ट हुए, और साथ ही साथ ये वेस्टवर्ड भी मूव करना स्टार्ट हुए। तो
तो उनका कहना था ये जिस फोर्स के कारण इन्होंने ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी, वो फोर्स क्या था, जो हमारा चंद्रमा है उसका टाइडल फोर्स, जिसे हमारा चंद्रमा नजदीक आता है तो उसके कारण जो फोर्स पृथ्वी के ऊपर लगता है उसको हम बोलते हैं टाइडल फोर्स, और उसी के कारण इस पूरे लैंड का, गोंडवाना लैंड का और लोरेशिया का मूवमेंट इक्वेटोरियल की तरफ स्टार्ट हुआ, इनका ऐसा मानना था एफ बी टेलर का। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारी पृथ्वी है, इस पे इन्होंने बोला था कि जो हमारा लोरेशिया है वो इस साइड है हमारे साउथ पोल पे, और हमारा गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड, वो हमारे साउथ पोल पे है और लोरेशिया हमारा नॉर्थ पोल पे है। जब ये हमारा लोरेशिया स्टार्ट हुआ किधर, यहाँ पे मून है अगर, तो मून का एक टाइडल फोर्स लगेगा वो जो पृथ्वी को इस तरफ खींचेगा, और इसी कारण जो ये लैंड मासेस है वो इक्वेटोरियल की तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे। अब जब इस टाइप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके कारण जब लोरेशिया का मूवमेंट, यहाँ पे जो लोरेशिया का लैंड था उसके मूवमेंट के कारण क्या बना, हमारा स्प्लिटिंग हुआ, उसमें रप्चर हुआ लैंड मासेस में, अलग अलग भाग में डिवाइड होने लगा ये, तो इसी के कारण बेफिन बे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा बेफिन बे है, लेब्राडोर सी है, डेविस सी है, डेविस स्टेट है, ये सब इसी के कारण यहाँ पे बने। और इसी प्रकार गोंडवाना लैंड था, जब वो यहाँ से गोंडवाना लैंड हमारा स्टार्ट हुआ इधर मूव करना, तो उसने साइबेरिया बनाया, इक्वेटोरियल वाट रोस सी बनाया, और अलग अलग प्रकार के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट रोस सी, इस टाइप से यहाँ पे हम जो देखते हैं उनका निर्माण करा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया इस टाइप से। दोस्तों इस प्रकार जो इन्होंने हमारा एक थ्योरी दी वो बहुत ही हद तक सब कुछ एक्सप्लेन करती थी हमारे फोल्ड माउंटेन कैसे बने, क्योंकि इनका कहना था जब इनका मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट के कारण इनमें रेजिस्टेंस लगा और इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। लेकिन इस थ्योरी के अंदर भी हमने जब इवेल्युएशन करा इस चीज़ का, तो इसमें हमें मिला कि जो ओरिजिन ऑफ टर्शरी फोल्ड माउंटेन है ये तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड मासेस की जो हम इन्होंने बोला टाइडल फोर्स मूवमेंट के लिए, केवल जो हमारा अगर 32 से 34 किलोमीटर तक अगर मूवमेंट होता लैंड मासेस में हमारे जो कॉन्टिनेंट थे, तो भी इसके कारण फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट करा वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब हजारों किलोमीटर में, जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते उतने किलोमीटर्स में इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करा दिया। तो और दूसरा इन्होंने बोला कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसकी टाइडल फोर्स ऑफ मून है, जबकि हम देख सकते हैं कि जो टाइडल फोर्स ऑफ मून है वो इतनी इनफ नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो किसी भी इतने बड़े मास को मूव करा सके, और वो भी 1000 किलोमीटर तक। और साथ ही साथ अगर इस टाइप से अगर इतनी ज़्यादा अगर इसकी उस टाइम पे मून की टाइडल फोर्स रही होगी, तो ये हमारे जो अर्थ है उसका रोटेटरी मोशन को ही स्टॉप कर देती, हमारी अर्थ घूमना ही बंद हो जाती अगर इस टाइम इतना ज़्यादा टाइडल फोर्स का इफेक्ट होता। तो दोस्तों आज मुझे लगता है कि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया है, और हमें आज का लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहिए। जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर, और साथ ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कुछ डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो मैं जल्द ही लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा, अगला लेक्चर। प्लीज़ ये देखिए मैंने पीपीटी भी बना ली है, बस इसको रिकॉर्ड करना और बाकी है। तो दोस्तों आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई क्यूरी है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। स्वच्छता बनाए रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।